पहले तो जो प्रभाव आता था हमारे समाज पे वो फिल्मों के कारण आता था, लेकिन आज जो प्रभाव है वो सोशल मीडिया का ज्यादा प्रभाव आ रहा है। उसके पास से 390 ग्राम तो डोडा पोस्ट छुरा और करीब 85 ग्राम हमने उससे अफीम बरामद किया। कहीं ना कहीं हमारी पिछली 20-25 सालों की सरकार है, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से हमारे यहाँ नशे की प्रवृत्ति पंजाब की तरह बढ़ती जा रही है। जिम्मेदार तो हम सभी लोग हैं, जो बेचने वाला है वो भी जिम्मेदार है, और सबसे ज्यादा सरकार की जवाबदारी है इसको रोकने की। कि पुलिस को सिविल ड्रेस में यहाँ पे खड़ा किया जाए और टेस्ट बढ़ाई जाए, जिससे ये आने वाली पीढ़ी नशे में लिप्त नहीं हो। हर वर्ग के लोग ये नशा कर रहे हैं, सरकार को इस पे पाबंदी करनी चाहिए। जो नई सरकार आई है भजनलाल की सरकार, मुझे उम्मीद है ये काफी रेड मारेगी और काफी हद तक इस पर कंट्रोल करेगी। खमागणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, आप देख रहे हैं इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। हमारे मैं हूँ प्रताप नगर क्षेत्र के अंदर। आपने बता दूं कि काले शामरी बात है इन जगह पे, आप देखो अगर पीछे पेड़ है, पेड़ के नीचे एक छोटा सा कैबिन बनाया हुआ चायरो, इन जगह अठे चायरी ढाबा रे साथ साथ में अफीम और डोडा पोस्ट रो काम भी चल रहे थे। आपने बता दूं कि भनक जब लगी प्रताप नगर पुलिस में तो पुलिस अठे पहुंची और हाथों हाथ जो व्यक्ति था अठे जो काम कर रहे है वाने गिरफ्तार कर ली है। आपने बता दूं कि जोधपुर शहर के अंदर लगातार नशो बढ़ते जा रहे हैं, चायरी आड़ में, चायरा कैबिन री आड़ में नशा रो काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डांगियावा क्षेत्र हो या फिर आप और भी कई ऐसा क्षेत्र बढ़ जाओला तो बटे कई तरह का आपने तस्कर मिल जाएगा, लगातार इन तरह का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल इन मामला में आप प्रताप नगर थाना अधिकारी से बात कर रहा किवाणों के क्या इन पर मामला पर, और जो आस पड़ोस लोग है वाने कितनी खबर थी इन बारे में। फिलहाल के लिए आओ आप चला वहां बात करा। फिलहाल इन वक्त मैं प्रताप नगर थाना में हूं और मुकेश कुमार सर है यम जानकला। सर कल की बात है, कल शाम को उस तस्कर को आपने पकड़ा था जो कि चाय की टपरी पे काफी समय से काम कर रहे थे, क्या था पर मामला बता दो। हाँ, हमारे थाने के आश्वासना अधिकारी और दूसरे जो हमारे सोर्सेस है उसे पता लगा कि जो दालबाटी भवानी दालबाटी इसके पीछे पवन गैस इंडियन के पास में एक व्यक्ति है जो चाय की थड़ी चलाता है बरसों बरसे, पर वो इसी की आड़ में कुछ ड्रग्स का काम भी करता है। इसी की तस्दीक करने के हिसाब से हम गए यहाँ से और उसी कड़ी में वहाँ कार्रवाई करते हमने उसके पास से 390 ग्राम तो डोडा पोस्ट छुरा और करीब 85 ग्राम हमने उससे अफीम बरामद की है। उसको हमने मौके पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की और उसकी तफ्तीश अभी चल रही है। वो कहाँ से लाता है, क्या प्रक्रिया है, सारी आवाज कौन था वो और कब से काम कर रहा है वो, उसका नाम जालाराम है, जालाराम पुत्र हरसुखराम, रहने वाला खेड़ी सालवा का है। वर्तमान में वो संजय कॉलोनी थाना प्रताप नगर सदर में किराए पर रह रहा है और लंबे टाइम से चाय की थड़ी को चला रहा है। तो इस तरह के और भी कई चाय की थड़ियों पर इस तरह काम चल रहे हैं, कुछ आपको अंदाजा हुआ हो तो? अगर हमें ऐसा अंदाजा होता है, ऐसा कुछ हो रहा होता है चाय की थड़ी पे या कुछ दूसरी, तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा हमारी जानकारी में जो ही कोई खबर आती है हम तुरंत नियमानुसार उस पर कार्रवाई करते हैं, और आगे भी ऐसा कोई पाया जाता है तो हम नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। व्यक्ति गिरफ्तार है वर्तमान में, आज उसको पेश करेंगे सामान्य न्यायालय में, आगे उसका प्रोडक्शन लेके पता लगाएंगे कि वो किससे लेता है, ये कड़ी कहाँ तक जुड़ती जाती है, उसकी आगे कार्रवाई हो जारी। जोधपुर शहर में आजकल नशे का कारोबार बहुत ज्यादा चल रहा है, खासकर युवाओं में ये फैल रहा है। हर दिन अखबार में पढ़ते हैं कोई न कोई पकड़ा जाता है, विद्यार्थियों में, मजदूरों में, कामगारों में, जहाँ देखो जिस क्षेत्र में देखो लोग अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं। मारवाड़ में शांति प्रिय जगह थी, बगैर नशे पते की जगह थी, आबो हवा बहुत अच्छी थी, वहां पे ये नशा घुल रहा है। हर क्षेत्र में, हर एरिया में, कहीं भी चले जाओ हर वर्ग के लोग ये नशा कर रहे हैं। सरकार को इस पे पाबंदी करनी चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। कल भी जैसे पकड़ा गया था वैसे जगह जगह रेड मारनी चाहिए, पकड़ना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर जो थड़िया वगैरह है उनपे सहन बहुत ही गहन तलाशी अभियान जांच करनी चाहिए और सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि इस नशे के कारोबार से मुक्ति मिल सके। जब जाकर ये एक उन लोगों में संदेश जाएगा, दूसरे लोगों में
जागरूकता पैदा करना चाहिए, नशे से क्या क्या दुरुपयोग होते हैं, जन जागरण पैदा करना चाहिए, स्कूल स्कूल कॉलेज कॉलेज में जाके जन जागरण करना चाहिए कि नशे से क्या क्या हानि होती है, शरीर में क्या नुकसान होता है, आर्थिक क्या नुकसान होता है, परिवार को क्या नुकसान होता है, इस सारी जागरूकता फैलानी चाहिए, जब कहीं जाके इस पे काबू पाया जा सकेगा। ज्यादातर ठेलावाला स्कूल के आसपास में ठेले वगैरह खड़े होते हैं, ये केबिन हो गए, ये देखते चाय का ढाबा है, बेचारा जाता है पीते, उनको शिक्षा मिलती है और उसको दे देते हैं कुड़िया, वो धीरे 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 आदत करके वो बहुत ज्यादा फैल रहा है बस, और इसको बहुत प्रतिबंध लगाना चाहिए, नशा बहुत खराब है बच्चों के लिए। आज इन्हें पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो वही ठेले वाले जो पास में थे, आपने पिया पहले, आप गए, बहुत जोरदार चीज है, मजा आता है, अज्ञानता है, सब ये चलता है, सब धीरे धीरे टिक जाता है बस। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम सभी लोग हैं, जो बेचने वाला है वो भी जिम्मेदार है, जो बच्चे हैं उनके परिवार भी जिम्मेदार हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं, और सबसे ज्यादा सरकार की जवाबदारी है इसको रोकने की, सरकार भी जवाबदार है, सब लोगों की थोड़ी थोड़ी जवाबदारी है, सब लोग इस पे जागरूक होंगे, सब लोग कार्य करेंगे, मिलके प्रयास करेंगे, तब जाके इस पे रोक लग पाए भी कम होगा, प्रयास करेंगे तब धीरे धीरे कम होके खत्म होगा इसका। पहले तो जो प्रभाव आता था हमारे समाज पे वो फिल्मों के कारण आता था, लेकिन आज जो प्रभाव है वो सोशल मीडिया का ज्यादा प्रभाव आ रहा है, वो एक दूसरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, बच्चे ग्रुप्स बना के डाल रहे हैं, ऐसे डाल रहे हैं, उल्टा सीधा जो प्रोग्राम डालते हैं उससे प्रभाव आ रहा है, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। पहले सिनेमा पे आता था, उसके लिए सेंसर बोर्ड ने भी बंदोबस्त किया है, काफी सिनेमा चालू होने के पहले भी खूब एड दिखाया जाता है तंबाकू का, शराब का, सरकार उसमें काफी प्रयास करती है, लेकिन आज दर्शक सिनेमा पहुंचता ही नहीं है, 10-15 से ज्यादा किसी भी सिनेमा हॉल में दर्शक नहीं मिलेंगे। तो सोशल मीडिया पे ये जागरूकता होनी चाहिए, जो एड सिनेमा में चलाते हैं वही एड सोशल मीडिया पे चलने चाहिए, वही एड यूट्यूब पे चलने चाहिए, वही एड गूगल पे चलने चाहिए, तब कहीं जाके इस पे कंट्रोल होने की संभावना बढ़ेगी। फिलहाल तो इन वक्त आप देख सको एक चाय रा केबिन बैठे हूँ मैं हूँ, और जो मालिक है बात कर रहा हूँ, आपका नाम? मेरा नाम है सर सुरेश सोलंगी। सुरेश जी, आपको मालूम होला कहीं ऐसा चाय वाला है जिसका मतलब अफीम रोडा पोस्ट रो काम करे साथ ही साथ में, तो इन्हें चक्कर में आपका नाम भी बदना हो, इन बारे में ऐडा जी का सामाजिक तत्व जरा इन टाइप रा घटिया इंसान और ऐडा घटिया दुकानदार जिसके प्रतिष्ठित जगह दुकाना है वोड़ा भी नाम खराब हो रही है, बहुत गलत है और बहुत सोचने विषय है। प्रशासन ने इन बारे में सख्त कदम उठाना चाहिए और एडी एडी जगह माते निगरानी रखनी चाहिए और जितनी भी हो सके उनमें जांच पड़ताल करती रहनी चाहिए। और इस मारो तो नशे बढ़ रहे जोधपुर में इन दिनों, मतलब तो वही में तो युवा वर्ग तो सारा खत्म हो जाएगा। बाबू जी, लगातार जोधपुर शहर में नशो बढ़ते जा रहे है, चाय की थड़िया पर अफीम रोड़ा पोस्ट रो काम चल रहा है, इन बारे में आप लोग क्या कहना, और युवा ज्यादा इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, एक तो स्कूल में एक चाय की थड़ियां हैं और भी जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे ये नशे की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है, उसके लिए प्रशासन से निवेदन है कि पुलिस को सिविल ड्रेस में यहाँ पे खड़ा किया जाए और गश्त बढ़ाई जाए जिससे ये आने वाली पीढ़ी नशे में लिप्त नहीं हो। आप भी बताना चाहो कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अच्छा सवाल उठाया। आज की युवा जो पीढ़ी है वो नशे में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी पिछली 20-25 सालों की सरकार है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इस वजह से हमारे यहाँ नशे की प्रवृत्ति पंजाब की तरह बढ़ती जा रही है। जो नई सरकार आई है भजनलाल की सरकार, मुझे उम्मीद है कि काफी रेड मारेगी और काफी हद तक इस पर कंट्रोल करेगी, पर मुश्किल है बहुत, जो है घर घर में नशा बेचने वाले बढ़ते जा रहे हैं, इसके अलावा ऑनलाइन ठगी हो रही है, युवा सट्टा बढ़ता जा रहा है, हर गली मोहल्ले चौराहे पर चाय बेचने वाला, किराना का सामान बेचने वाला नशे के सामान बेच रहे हैं, इस कदर कदर से निकलेगा ये बहुत मुश्किल है। पुलिस को बहुत कड़ा नजरिया रखना पड़ेगा, नगर निगम पुलिस जेडीए ये सारे विभाग सामूहिक रूप से मिलकर ही ये काम करेंगे, तब इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिलेगा। वैसे तो भजनलाल सरकार ने काफी अच्छा काम उठाया, कदम उठाया कि नशा वाला जो ठेका वगैरह होता है उनके बाहर 8 बजे के बाद में पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो उससे कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी कई सारे अभी किराने की दुकान पे कैसे वो बंदा लगा है पुलिस वाला, तो वहाँ पे मिल जाते हैं जैसे सिगरेट वगैरह कई सारी, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें जो नहीं बेचनी चाहिए वो भी बिक रही है, तो है अभी ये नशे का तो प्रकोप चल रहा है जोधपुर में, बहुत तेजी से चल रहा है।
फिलहाल तो ये जोधपुर वासी है, जोधपुर का युवा और बुजुर्ग, बताया आपने कि जोधपुर शहर में लगातार जो नशों बढ़ रहे हैं, इन पर रोकथाम होनी चाहिए, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जितना भी ये लोग है जो चायरा नाम पर इन तरह नशा कर रहे हैं, यानी जल्द से जल्द पकड़ कर और गिरफ्तार करना चाहिए। फिलहाल मैं तो आपके बीच में आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से, इन वीडियो ने आप लाइक शेयर कॉमेंट करो, धन्यवाद।